हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीक्षा माता ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी वहाँ जाने के लिए। मैं नाम सुनी थी उस जगह का, पर मैं वहाँ कभी गई नहीं हूँ, तो आज वहाँ जाने वाली हूँ। पहले तो मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा था और मौका भी नहीं मिल रहा था वहाँ जाने के लिए, तो आज दोनों मिल गया है, टाइम भी और मौका भी। तो आज हम लोग जाने वाले हैं रानीचुआ, तो चलिए चलते हैं रानीचुआ। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ निकल गए हैं रानीचुआ देखने जाने के लिए, और देख सकते हैं थोड़ा सा अंदर साइड जाना पड़ता है, इधर नहीं है। तो मैं भी इससे पहले कभी नहीं गई हूँ, तो आज जाके देखेंगे कि कैसा है। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि वहाँ कैसा देखने को मिलेगा ये सोच के, तो चलिए चलते हैं। बुंडू में रानीचुआ है, ये तो मैं सुनी हूँ बहुत बार बहुत लोगों के मुँह से, बट मैं वहाँ कभी गई नहीं हूँ, इसीलिए आज जा रहे हैं। आज थोड़ा टाइम मिल गया है इसीलिए, तो चलिए देखते हैं कि कैसा है। कुछ दूर तो आ गए हैं अभी, और देखिए और आगे अभी जाना पड़ेगा। और रास्ते में ही अभी एक बजरंगबली का बड़ा सा मूर्ति मिल गया है, देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के। और ये काफ़ी बड़ा है, अभी सामने जाके देखने से सिर ऊपर करके देखना पड़ रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के। और देखिए कितना मतलब लंबा है और चौड़ा भी है। ये जगह थोड़ा सा खाली है, इसीलिए इस मूर्ति को अच्छे से बनाया गया है। और देखिए अभी शाम का समय है ना, तो और भी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे दुर्गा पूजा के टाइम में पंडाल भी बनता है, मैं यहाँ पे देखने आई हूँ वैसे तो पहले। और देखिए इधर साइड जो कि सब तरफ से दिखाते हैं कि ये कितना बड़ा सा है, ये देख सकते हैं हम लोग जो कि इसके पीछे साइड जा रहे हैं, पीछे साइड से भी बहुत बड़ा सा दिख रहा है चारों तरफ, बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के। ये बुंडू का सबसे बड़ा बजरंगबली का मूर्ति है जो कि यहाँ पे है, और ये काफ़ी बड़ा है बोल सकते हैं। और अभी जो कि शाम हो गया है ना, तो इधर बाज़ार लगता है, तो सामने में बाज़ार लगा हुआ है। और यहाँ पे एक बड़ा सा तालाब है, चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है, अभी शाम के टाइम में सूरज भी मतलब डूबता हुआ, कुछ देर बाद जो कि डूब जाएगा, अभी शाम हो गया है तो। और इधर सब तरफ जो है दूर दूर तक पानी ही दिख रहा होगा आप लोगों को, बड़ा सा है ये तालाब। तो चलिए अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर रात हो जाएगा, अभी रानीचुआ भी तो देखना है, तो आगे बढ़ते हैं अब। और लगता है और अधिक दूर जाना नहीं पड़ेगा, और कुछ दूर में ही मिल जाएगा जैसा लग रहा है, तो देखते हैं। और देखिए फाइनली हम लोग लगभग पहुंच गए, अभी कुछ दूर चढ़ना पड़ेगा बस। और यहाँ पे बहुत अच्छा से रास्ता बना हुआ है, अभी काफ़ी अंदर आ गए हैं हम लोग, तो यहाँ आगे में ही रानीचुआ है। और अभी जो कि कुछ देर बाद रानीचुआ मिल जाएगा हम लोग को। ये बहुत अच्छा से रास्ता है, यहाँ पे गाड़ी अंदर आ सकता है, आके कभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और ये पुराना जगह है ना, तो यहाँ पे सुने हैं बहुत ही पुराना है ये, अंदर चल के देखते हैं कैसा है। तो फाइनली हम लोग इस जगह पे आ गए हैं, देख सकते हैं। और ये बहुत ही बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा मतलब थोड़ा बड़ा है ये, और सब तरफ जो है मतलब एकदम शांत सा लग रहा है। और यहाँ पे सीढ़ी है जो कि उतरने के लिए, और यहाँ पे नीचे चलते हैं अभी कैसा है देखते हैं। और अभी फाइनली हम लोग उतर गए हैं कुछ दूर, तो यहाँ पे जो है नहाने का घाट टाइप से है रानीचुआ है, तो यहाँ पे देखिए पेड़ पौधा भी है बहुत सुंदर हरियाली। और फिर इधर जो कि पानी है, देखिए यहाँ पे नहाते हैं, एक साइड जो कि महिला नहाती है और एक साइड पुरुष नहाते हैं, तो यहाँ का पानी भी एकदम नीला नीला सा लग रहा है देखिए। और आगे साइड कोई कोई नहा रहे हैं अभी भी, नहाने का टाइम है तो, मतलब नहाने का टाइम नहीं है फिर भी कोई कोई नहा रहे अभी। और यहाँ पे पेड़ों में भी पूजा किया जाता है, इसीलिए झंडा जो कि टंगा हुआ है। यहाँ पे पूजा पाठ भी होता है, तो देखिए यहाँ पे मूर्ति भी है, एक शिव भगवान का है और एक काली माँ का है। जो व्यक्ति यहाँ पे नहाते हैं वो लोग पूजा करके घर जाते हैं, यहाँ पे पूजा कर लेते हैं, इसलिए मूर्ति बना हुआ है। और यहाँ पे जो कि पेड़ सब में भी पूजा किया जाता है, और जगह जगह में कुछ कुछ मूर्तियाँ भी हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और देख सकते हैं इस जगह पूजा करने का ही स्पेशल से जगह बना हुआ है। और इधर साइड जो कि पानी है जहाँ पे नहाते हैं लोग, और यहाँ पे पानी ना कभी सूखता ही नहीं है, अब पुराने लोग बोलते हैं, और देखा भी गया है कि यहाँ का पानी कभी सूखता नहीं है, कभी भी आके देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए पेड़ के नीचे में एक शिव भगवान है छोटा सा, तो यहाँ भी पूजा किया जाता है, पूजा किया हुआ का कुछ कुछ निशानी है यहाँ पे। और ये बरगद का पेड़ है, तो इसी के नीचे बनाया हुआ है शिव भगवान का मूर्ति।
और देख सकते हैं इधर जो कि नहाने का बहुत अच्छा सुविधा किया गया है, सीढ़ी है, सीढ़ी से उतर के आप नहा सकते हैं, इतना अच्छा से बना हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे छठ पूजा भी होता है, छठ पूजा भी किया जाता है। यहाँ पे जगह जगह में मंदिर भी है पूजा करने के लिए, नहाने के बाद पूजा कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जगह जगह में पेड़ भी है, इस पेड़ सब में भी पूजा किया जाता है। तो झंडा भी टंगा हुआ लग रहा है, झंडा भी बांधा हुआ दिख रहा होगा। और देखिए पानी यहाँ का कितना अच्छा लग रहा है, जब पानी मतलब सवेरे सवेरे बहुत अच्छा दिखता है, नीला ही नीला दिखता है। उसके बाद जो कि नहाने के बाद थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है पानी का। और यहाँ चलिए आगे और क्या क्या है देखते हैं। इधर एक मंदिर है तो सामने चल के देखेंगे मंदिर का। और यहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ है, देखिए। इस जगह के बारे में पहले सुनी थी बट देखी कभी नहीं थी, तो आज देख ली तो अच्छा लगा देख के। और यहाँ पे मंदिर मिल गया है, देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में, ऑरेंजी ऑरेंज लग रहा है। और ये काफ़ी पुराना है जैसा लग रहा है, इसका डिज़ाइनिंग भी कुछ अलग ही टाइप का है, देखने में अच्छा लग रहा है। और यहाँ अंदर में एक बजरंगबली का मूर्ति है, तो चलिए मैं आप लोगों को पास से दिखाती हूँ। थोड़ा सा अंधेरा लग रहा है यहाँ पे, तो देखिए दिख ही रहा होगा बजरंगबली का मूर्ति। और चलिए अभी आगे और क्या क्या चीज़ है वो भी देख लेते हैं अभी, और जल्दी जल्दी देखेंगे सब तरफ क्योंकि अभी शाम होने वाला है, तो सूरज डूब जाएगा तो फिर रात हो जाएगा। अभी घूमते घूमते पीछे साइड आ गए हैं, मंदिर के पीछे साइड में। तो पीछे साइड का व्यू कुछ ऐसा है, पीछे साइड में भी पानी है नहाने के लिए। और इधर देख सकते हैं यहाँ पे अगल बगल में पेड़ भी है, पेड़ सब है साइड साइड में। और चलिए मैं आप लोगों को एक बार चारों तरफ का व्यू दिखाती हूँ कि कैसा दिखता है। तभी तो दूसरे साइड से नीचे आए थे, दूसरे सीढ़ी से। अभी इस सीढ़ी से ऊपर चढ़ के देखेंगे कि कैसा लग रहा है ऊपर से नीचे का व्यू। और अभी जो कि नहाने का टाइम नहीं है, फिर भी कोई कोई लोग नहा रहे हैं, तो सोच सकते हैं जब नहाने का टाइम रहता है सवेरे का टाइम है तो कितने लोग आते होंगे, हो सकता है उस टाइम भीड़ होता होगा। तो चलिए अभी ऊपर चढ़ के देखते हैं कि कैसा लग रहा है नीचे में, नीचे का व्यू। और देखिए कितना मतलब बड़ा बड़ा सा सीढ़ी है यहाँ पे, और बहुत ही लंबा चौड़ा सा है सीढ़ी सब। और फाइनली हम लोग यहाँ पे ऊपर आ गए हैं, और देख सकते हैं कितना मतलब मोटा मोटा सा पेड़ है यहाँ पे, पुराना पुराना पेड़ लग रहा है। और ये जगह एकदम मतलब खाली खाली सा लग रहा है, एकदम मतलब शांत सा। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना बड़ा सा पेड़ है ये वाला, बरगद का पेड़ लग रहा है, और चारों तरफ अपना डाली फैलाया हुआ है। तो यहाँ से सब तरफ का व्यू बहुत अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं बहुत अच्छा लगा मुझे तो देख के। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। और ये पेड़ भी देखिए काफ़ी पुराना लग रहा है देख के। तो चलिए अभी वापस से नीचे चलते हैं, इधर तो देख लिए और भी क्या क्या देखने का है वो सब भी देखते हैं अभी। इसी सीढ़ी से नीचे आए थे तो अभी इधर से ऊपर चढ़ेंगे। और सीढ़ी के दोनों साइड में कितना सुंदर पेड़ है देखिए, कितना मस्त सा। और अभी ऊपर में गाड़ी है तो ऊपर चढ़ के देखेंगे एक बार नीचे का व्यू कितना अच्छा आ रहा है कि कैसा आ रहा है। और अभी शाम भी होने को आया है तो जल्दी से वापस चलेंगे नहीं तो रात हो जाएगा। देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ से, इस साइड से, इस साइड से भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, सब तरफ चारों तरफ बहुत अच्छे से दिख रहा है ऊपर से। और कितना सारा सीढ़ी है देख सकते हैं, यहाँ से वहाँ तक का सीढ़ी दिख रहा है अभी। और इधर भी बड़ा सा जगह है ना, तो सब तरफ मतलब अलग अलग जगह में सीढ़ी बना हुआ है, आप किधर से भी नीचे आ सकते हैं ऊपर आ सकते हैं। एक जन देखिए ऊपर चढ़ रहे हैं तो वो कितने छोटे से दिख रहे हैं, वहाँ से सीढ़ी से ही चढ़ रहे हैं वो। और कितना सारा सीढ़ी है इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ घूम के बहुत अच्छा लगा अभी। और अभी सब तरफ देखिए पेड़ ही पेड़ लग रहा है, तो अंदर में क्या चीज़ है पता ही नहीं चल रहा है, यहाँ पे पेड़ का पत्ता से सारा कुछ ढक गया है। तो अंदर में जो पानी सब है वो सब कुछ दिख ही नहीं रहा है।
रानी चूहा रानी चूहा मैं बस सुनी रही थी बट यहाँ कभी आई नहीं थी, तो आज यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। और बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि एक दिन मैं आऊंगी आऊंगी, आज वो दिन आ गया और मैं यहाँ आ गई। अभी तो सब तरफ घूम लिए तो वापस चलते हैं, अभी शाम भी हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।